नमस्कार। देश की बात हमारे साथ के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी के रिलॉन्च की। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर एक बार फिर राहुल गांधी की ताजपोशी होने जा रही है। संभवतः इसकी तारीख 21 मई हो सकती है, क्योंकि उस दिन राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। अगले 15-20 दिनों में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी दोबारा से कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। इस बार का कमबैक महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वजह कि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी पर्दे के पीछे इस कमबैक की रिहर्सल कर रहे थे। एक तो उन्हें आक्रामक बनाया जा रहा था और वो लगातार सरकार के खिलाफ मुद्दे उठा रहे थे, टीका टिप्पणी कर रहे थे और गंभीर टिप्पणियां थी। इससे उनका जो इमेज खड़ा किया गया वो एक गंभीर व्यक्ति के रूप में खड़ा किया गया। 12 फरवरी को राहुल ने ट्वीट किया था कि जो कोरोना की बीमारी है इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया है। 12 फरवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के हार्ट में लिट्टी चोखा खा रहे थे। उनकी लिट्टी चोखा का आनंद लेते हुए तस्वीर अखबारों में छपी। दरअसल मोदी जी तो लिट्टी चोखा इसलिए खा रहे थे कि उनकी नज़र में बिहार के चुनाव थे। उन्हें लगा कि बस आज लिट्टी चोखा खाऊंगा तो लाखों बिहारियों का दिल मैं जीत लूंगा और इस तरह से चुनाव प्रचार अभियान जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन वो समय सही नहीं था और छायाचित्र जिस ढंग से आया उसमें बाद में जो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि राहुल का ट्वीट और उनका छायाचित्र ये जोड़कर वायरल किया गया सोशल मीडिया। इसमें इस तस्वीर में लोगों को ये महसूस हुआ कि कहाँ एक व्यक्ति खतरे के बारे में आगाह कर रहा है और दूसरा चैन से लिट्टी चोखा खा रहा है। इस ढंग से ये तस्वीर को वायरल किया गया। इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी के आईटी सेल ने फिर मुद्दा उठाया तबलीग जमात का, और उसके आड़ में कहीं वो थूक लगाने वाले संतरे हो, कहीं वो फल वाले हो, इस तरह के सैकड़ों फर्जी वीडियो धड़ाधड़ भाजपा ने लोगों के सामने डाले ताकि ये टीका टिप्पणी जो सरकार के खिलाफ हो रही इस पर आपका ध्यान न जाए। लेकिन उसका असर भी बहुत गलत हुआ। हुआ क्या कि जगह जगह की पुलिस ने बताया कि ये हमारे यहाँ का वीडियो नहीं, इस तरह कोई घटना नहीं हुई, ये वीडियो फर्जी है, ये वीडियो फर्जी है, ये वीडियो गलत है, ये सही नहीं है। इस तरह से अलग अलग देश के हिस्सों में से लोग पुलिस ने खुद आकर ट्विटर पे इन वीडियो को खारिज किया। तो इसका इम्पैक्ट होना तो दूर रहा, इससे नए विवाद पैदा हो गए कि भाजपा का जो आईटी सेल है वो फर्जी बातों को तरजीह देता है और फेक खबरें पढ़ाता है। उधर बिहार में नीतीश जी नाराज हो गए, क्योंकि बिहार में एक बड़ा वोटर है जो मुस्लिम है और नीतीश के पीछे खड़ा है। तो नीतीश कुमार को भी ये बातें गवारा नहीं हुई। उन्हें लगा कि इस तरह से आप अभी करोगे तो चुनाव ये मेरे को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कोरोना के मामले में तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, न उनके पास अस्पताल है, न वेंटिलेटर है, न कोई व्यवस्था है। तो सरकार की जो नाकामियां हैं वो तो दिखे खुलकर सामने आएगी ही, इसके अलावा जो वोटर हैं सिंपथाइजर है अब उनको निशाना बनाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं के की मॉब लिंचिंग हो गई। इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने दूसरे दिन ही एक्शन लिया, लेकिन भाजपा ने इस घटना को राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश की।
उसको लगा कि चलो हिंदू मुस्लिम का मसला छोड़ दे, अब ये साधुओं का मसला मिला है, शिवसेना से भी अपने को हाथ बांधना है, या एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार चल रही है इसको भी निशाने पर लेना है, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम ये हिंदू विरोधी महाराष्ट्र सरकार का एक पैंतरा लेके उसको बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन ये दांव भी उनके ठीक उल्टे पड़ा। कैसे हुआ ऐसे कि जो लोग गिरफ्तार हुए उस गांव में वो सब भाजपा के कार्यकर्ता निकले। तो ये बात जब दूसरे दिन सरकार के ध्यान में आ गई कि नहीं ये घटना ऐसे ऐसे हुई, साधुओं को मारने वाले तो बीजेपी वाले ही थे और वही हंगामा मचा रहे थे, तो बीजेपी वालों को यहाँ पर भी मात खाना पड़ी। इससे जो कैडर था भाजपा आईटी से ये बड़ा दबाव में आ गया और उसने कहा कि नहीं नहीं कुछ भी करो, सरकार के खिलाफ पोस्ट जारी करो, ये करो वो करो, झूठी खबरें दो। और इस चक्कर में जब उद्धव ठाकरे कड़क हो गए और उन्होंने पुलिस से कहा कि नहीं जितनी ये ट्रोलरबाजी कर रहे हैं ये सबको अंदर करो, तो महाराष्ट्र में देखते ही देखते हैं 227 लोग जो सोशल मीडिया पर गंदे ट्रेंड करते थे, गाली गलौज करते थे, गड़बड़ खबरें जारी करते थे, इनको उठा के पुलिस ने अंदर डाल दिया, मामला हो गया, एफआईआर हो गए। इसके बाद सारे के सारे आईटी सेल ठंडे पड़ गए। आईटी सेल ठंडे पड़ गए तो ऊपर से और दबाव आया कि अरे ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग, ऐसा कुछ करो कि बिल्कुल सरकार हिल जाए, सरकार को परेशान करो। तो ठाणे के एक ट्रोलर ने महाराष्ट्र के एक मंत्री के बेटी और पत्नी के बारे में इतनी गंदी और अश्लील बातें लिखी ट्विटर पर, और ट्रोल करने का मतलब गाली से ट्रोल नहीं होता, कोई मुद्दे पे आप बोल रहे हो उसको कर रहे हो तो ठीक है, धड़ाधड़ गालियाँ, गंदी गालियाँ जिसको साधारण भाषा में हम लोग बोल भी नहीं सकते। अब इससे मंत्री के जो चेले थे वो नाराज़ हो गए, उन्होंने उस आदमी को ढूंढा ढांडा, वहाँ से निकाला और बढ़िया से उसकी सुटाई कर दी। अब ये मारपीट की घटना के बाद सारे भाजपा के नेता हिल गए, क्योंकि ये उनका जो स्लीपर सेल है वो काम करने को तैयार नहीं था। इस बीच सब लोगों को लगा कि एक तरफ पुलिस दबाव बना रही है, साइबर पुलिस धड़ाधड़ केसेस कर रही है, और दूसरी तरफ उनको उनकी ये शिकायत थी कि 2 माह से सैलरी नहीं मिली, जब से लॉकडाउन चल रहा है आईटी सेल वालों को पैसे नहीं मिले। फिर एक आईटी सेल के अंधभक्त ने सार्वजनिक रूप से पोल खोली कि हमें तो 2000 रुपये दिए जाते थे, ट्विटर पे हमें 2 रुपये मिलते थे, फेसबुक पे पोस्ट के 1 रुपया मिलता था, और व्हाट्सएप पे हम जो फॉरवर्ड करते हैं उसमें 60 पैसे मिलता था, ये हमारी इनकम थी। कुछ ट्रोलर के पास 400 अकाउंट थे, कुछ ट्रोलर के पास 1000 अकाउंट थे, और ये ट्रोलर उसको भर्ती करते समय वायदा किया था कि जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार अगली टर्म में आएगी तो आपको सरकारी नौकरी में हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। तो बेचारे वो खूब ताकत से लगे हुए थे, परफॉर्मेंस दे रहे थे अपना, लेकिन इस बीच देवेंद्र फडणवीस की सरकार नहीं आई तो ट्रोलर उधर से भी मार खा गए, सैलरी नहीं मिल रही इधर से भी मार खा रहा है, पुलिस अंदर डाल रहे उधर से भी मार खा रहा है। इस तरह से ये ट्रोलर गैंग जो थी भाजपा की ये कमज़ोर पड़ गई। इसको ठीक कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने। अब ये महाराष्ट्र सरकार ने ठीक कर दिया तो जितनी कांग्रेस शासित सरकारें थे उनको भी समझ में आ गया कि यार ये इस तरह से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। धड़ाधड़ छत्तीसगढ़ में पकड़े गए, पंजाब में पकड़े गए, झारखंड में लोग पकड़े गए और उनके खिलाफ एक्शन हुआ। छत्तीसगढ़ की तो आपको कहानी पता है, एक ट्रोलर जो है एक लड़की का बढ़िया पाकिस्तानी लड़के का फ़ोटो लगा के और ट्रोल करता था, मुख्यमंत्री के खिलाफ अंडसंडे लिख दिया। जब पुलिस पहुंची उनके घर तो काला ठूस आदमी निकला रवि नाम का, जो कि अपने आप को जिंदाल बता रहा था, निशा जिंदाल। तो ये जब लोगों को पता लगने लगा कि अरे भाजपा इस तरह से खेल खेलती है हमारे साथ में, तो जाहिर है भाजपा एक्सपोज होने लगी और उसकी ओछी हरकतें लोगों के सामने आ गई। 40 दिनों में लोगों को सब पता चला। लेकिन इसका एक नुकसान और हो गया देश को कि बीजेपी के एक समर्थक, आरएसएस समर्थक उद्योगपति थे दुबई में, वो वहाँ के कुछ हिंदू जो
लोग काम करते थे वहाँ के, दुबई में, सऊदी में, यूएई में, तो उन लोगों को वो फंडिंग करते थे हिंदू मुस्लिम करने के लिए। अब देखो हिम्मत बोली, देखिए दुबई में बैठ के ये लोग वहाँ मुस्लिमों के खिलाफ लिख रहे हैं और उन्हीं की रोजी रोटी खा के रोज़गार लेके बैठे हुए हैं। जब वहाँ की सरकार सख्त हुई और इनको वहाँ पकड़ा गया, कईयों को नौकरी से भगा दिया गया, तब उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये सब यहाँ नहीं रुका तो हम सबको वापस भेज देंगे हिंदुस्तान में। तो सब घबरा गए। यूएई में यानी खाड़ी के देशों में लगभग 1.5 करोड़ लोग भारतीय वहाँ जॉब पे हैं। इससे आरएसएस नरम पड़ गया, मोदी जी को बोलना पड़ा, मोदी जी के एक मंत्री ने मुस्लिमों की तारीफ कर दी, भागवत जी ने कहा कि नहीं नहीं मुसलमानों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता, सब एकदम से मुस्लिम प्रेम पे आ गए और सब भूल गए तबलीगी जमात वगैरह। और खबरें देने लगे कि अब तो प्लाज्मा सब देने वाले तबलीगी, तो भाई ये तो बड़ा सुंदर काम हो रहा है। इस तरह से राजनीति में मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करने वाली ये पार्टी दरअसल हिंदू मुसलमान तब करती है जब उसके प्रशासन की खामियां उसको छुपाना रहती है, और इन खामियों पर राहुल गांधी लगातार चोट करते रहे उसको। उन्होंने कई इशू उठाए, उन्होंने कि कोरोना का क्या प्लानिंग है सरकार का, सरकार नहीं बता पाई, टेस्ट किट कहाँ से ला रहे हैं, सरकार नहीं बता पाए, पीएम केयर के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए, आरोग्य सेतु का उन्होंने कहा कि तो ट्रैकिंग ऐप है, इसमें कुछ होने वाला नहीं, बाद में मोदी सरकार इसको चुनाव के समय SMS भेजने में और चुनाव प्रचार करने में इस्तेमाल करेगी। ये सब करते समय राहुल गांधी ने अपनी एक छवि को गंभीर छवि के रूप में देश के सामने रखा। कोरोना के बाद देश में जो आर्थिक परिस्थिति निर्माण होने वाली है उस पर उन्होंने पूर्व गवर्नर हमारे रिजर्व बैंक के राजेंद्र रघुरामन से चर्चा की, उनसे समझने की कोशिश की कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के पैकेज देना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देना चाहिए, किसको आगे बढ़ाना चाहिए, गरीबों की कैसे हम इसमें रक्षा करें, ये सब चीज़ उन्होंने ये कही। जब मार्केट नीचे आ गया शेयर बाज़ार और चाइना के एक बैंक ने HDFC के 1.5% शेयर खरीदे, तब राहुल जी ने सरकार को चेताया ऐसे में कल पाकिस्तान आएगा, चाइना आएगा, बांग्लादेश आएगा और हमारे शेयर बाज़ार पे कब्जा कर लेगा, हमारी कंपनियों पे हक जताने लगेगा, उसको बंद करिए। मोदी जी की आंखें खुली, मोदी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और सीधे निवेश करने के लिए रोक लगा दी। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस इस तरह से सरकार खुद चला रही थी कार के पीछे की सीट पर बैठ कर, और इसकी इंतहा तो तब हो गई जब मजदूरों को उनके राज्य में, गृह राज्य में वापस भेजने के मसले को लेकर जब सरकार एक्शन में थी और ये मजदूरों से देखा कि कई जगह से स्पेशल ट्रेनें छोड़ी जा रही हैं, 1.5 गुना उनसे रेल किराया वसूला जा रहा है, ऐसे समय सोनिया जी ने एक ऐसा तीर मारा तरकश में से, कहा कि कांग्रेस इन गरीबों का पैसा भरेगी, तो सरकार को साफ सुन गया। अरे 6,500 करोड़ केयर फंड में इकट्ठा करने के बाद भी और WHO के थ्रू वर्ल्ड बैंक से $1.5 बिलियन यानी खरबों रुपए लेने के बावजूद ये सरकार पैसे डाल कहाँ रही है, क्या कर रही है इन पैसों का, ये सवाल जब पूछा कांग्रेस ने तो सरकार की बोलती बंद हो गई। सरकार ने तुरंत शाम तक 85, 15, 80, 20 ये सब गणित लगाते लगाते कहा कि नहीं हम पैसे देंगे, कब देंगे, पहले आप टिकट ले लो, बाद में जब पहुंचोगे क्वारंटाइन ख़त्म होगा तो आपको पैसा दिया जाएगा, किसी ने कहा आपके आधार कार्ड से आपके खाते में आ जाएगा। बहरहाल सरकार को एक दिन कांग्रेस ने चलाया। अब उसके बाद उन्होंने भट्टाचार्य जी से चर्चा की, राहुल जी ने, और उनसे कई मुद्दों पे चर्चा की, और ये सब चर्चा कोई टेलीफोन से अकेले में नहीं हुई, इसको पूरे देश को दिखाया गया। तो देश के सामने एक ये छवि बनाने की कांग्रेस ने कोशिश की कि देखो भैया ये जो आने वाले इशू है इस पर हम बहुत पहले से सोच रहे हैं, और भाजपा पर हमेशा आरोप लगा कि कोरोना दरवाजे तक आने तक भाजपा सोती रही, नमस्ते ट्रंप करती रही, और इस कारण अहमदाबाद, आगरा और दिल्ली में केसेस बढ़ गए कोरोना के, कोई हम सरकार के पास कोई उससे मुकाबला करने का प्लान ही तैयार नहीं था।
अप्रैल के 15 तारीख को तो हमारे पास टेस्ट करने के किट आ गए चाइना से, वो भी दलिंदर निकले। तो ऐसे और कैसे वो किट के भाव को लेकर कैसे घोटाले हो रहे थे, ये सब पे कांग्रेस ने बहुत ही पॉजिटिव भूमिका अदा की और इन सब बातों में बीजेपी को मार खानी पड़ी। अब ये सब के आड़ में एक और तैयारी चल रही थी कि कांग्रेस अध्यक्ष को इस तरह से अब हम लाएंगे, क्योंकि ये सीरियसली हमने उनका एक रूप लोगों को दिखाया इमरजेंसी के टाइम, तो अब हम उनको पूरी तरीके से, वो अभी अंदर से तैयार हैं, इनको हम लॉन्च करेंगे। तो अब क्या होगा अगर राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा इस बार कि राहुल ने अपने मन की टीम बनाने का फैसला किया है। अब उन्होंने कहा कि मुझ पे कोई भी दबाव नहीं चलेगा। उनकी जो भी टीम बनेगी कांग्रेस की नई उनके अध्यक्षता में, उसमें 80% युवाओं को स्थान दिया जाएगा और इसका नतीजा ये होगा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस है, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस अभी सत्ता में है या विपक्ष में है, वहाँ वहाँ अब जो नई कांग्रेस के लीडर आएंगे वो युवा पीढ़ी से आएंगे, जो बहुत देर तक आगे तक लेके जाएंगे कांग्रेस को। इस तरह के लोग लाए जाएंगे और एक यूथफुल कांग्रेस का चेहरा लोगों के सामने आएगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने लगातार 3 साल तक सड़कों पर आंदोलन चलाया सरकार की कमियों के खिलाफ। जेल भरो हुआ, वो खुद जेल में गए, आंदोलन हुए, विपक्ष के नेता जो थे टीएस सिंहदेव वो हाउस में मुद्दों को उठाते रहे, सरकार की कमियों को गिनाते रहे, और इस तरह से ये दोनों का कोऑर्डिनेशन करके उन्होंने वहाँ 15 साल सत्ता में रही भाजपा को इस कदर खदेड़ दिया कि वो आज 13 सीट पर वहाँ बैठी हुई है। जबकि सारे सर्वे जो निकले थे चुनाव वाले, वो बता रहे थे 45 सीट आएगी, 52 आएगी, 50 आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो भाजपा वाले खुद बेहोश हो गए। जब उनको पता चला गया कि अरे यार तो 20 के नीचे जा रहा है फिगर, और फाइनल फिगर 13 पे पहुंचा। तो दो और चीज़ होगी कांग्रेस में, दो बढ़िया विशेषज्ञों की टास्क फोर्स राहुल के पीछे काम करेगी नेपथ्य में। एक रहेगी जो तकनीकी पक्ष को बताएगी कि सोशल मीडिया में क्या करना चाहिए, इसका ये क्या करना चाहिए, इसमें क्या, और तो दूसरी जो है वो एक्सपर्ट की टीम है। ये रहेंगे विषय विशेषज्ञ जो पॉलिसी बनाएंगे, नीति बनाएंगे, कोई भी मुद्दा है उसका हल ढूंढेंगे। इस तरह की दो 20-25 लोगों की टीमें राहुल के पीछे होंगे। हर राज्य में जहाँ कांग्रेस है वहाँ पर वार रूम बनाए जाएंगे और भाजपा को एक्सपोज करने के लिए रात दिन लोग लगेंगे। युवक कांग्रेस के लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से तुमको जनता के मुद्दे, किसानों के, मजदूरों के, बेरोजगारों के, इन मुद्दों पे तुमको किस तरह से सड़क की लड़ाई लड़ना है। और सबसे बड़ी बात जो राहुल जी ने व्यक्तिगत रूप से ठान ली है वो ये है कि सिंधिया को सबक सिखाना है। मध्य प्रदेश के 26 सीटों पर खुद स्वयं राहुल गांधी सिंधिया के कैंडिडेट को हराने के लिए प्रयास करेंगे, ये उन्होंने ठान लिया है कि हम दोबारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की को सत्ता में लाएंगे। और इस बार जब सत्ता में आएंगे तो भाजपा के जो 26 कांग्रेस छोड़ के जो भाजपा में लोग गए उन सबको हराया जाएगा, और इसी की प्रतिज्ञा लेकर वो सबसे पहले हमला बोलने वाले हैं मध्य प्रदेश में। ये तो हुई राहुल की ताजपोशी की बात। अब प्रश्न आता है कि राहुल गांधी पार्टी के भीतर की चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें देश के सामने ये बताना है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और पिछली गलतियों को वो नहीं दोहराएंगे। ये जो बात हुई उसमें ये आया कि पिछली बार जो वो गए थे मंदिर मंदिर जा रहे थे, गोत्र बता रहे थे, जनऊ दिखा रहे थे, इस तरह की हरकतें अब नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो चुनौती उनको अपनी ही पार्टी के भीतर से है, दिग्विजय सिंह जैसे और भी हैं, ये लोग उन्हें
पिछली बार इधर उधर जाने नहीं देते थे, उनका कब्जा बनाए रखते थे। पूरा जब चुनाव प्रचार हुआ, कैसे गहलोत मुख्यमंत्री बन गए, कैसे कमलनाथ आ गए और वो मुख्यमंत्री बन गए, क्यों नहीं आया यूथ, क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रोजेक्ट किए गए, पायलट प्रोजेक्ट किए गए मुख्यमंत्री के रूप में और सडनली उप मुख्यमंत्री हो गए, ये जो मसले पिछली बार आए थे इससे राहुल कैसे निपटेंगे, ये उनके लिए अब अग्नि परीक्षा वाली बात साबित हो गई। क्या इनको मार्गदर्शक मंडल में डाला जाएगा या पॉलिसी मेकर बनाया जाएगा, या जैसे जो सेकंड पाथ के लोग हैं जैसे गुलाम नबी आज़ाद हो गए, मनीष तिवारी हो गए, सिब्बल हो गए, आनंद शर्मा जैसे लोग हो गए, इनका क्या रोल होगा पार्टी में, इनका क्या रोल होगा, प्रियंका गांधी का रोल क्या होगा, उत्तर प्रदेश तक ही होगा या उन्हें देश में कोई जिम्मेदारी मिलेगी, कांग्रेस का अन्य गठबंधन वाले दलों के साथ में रुख क्या होगा, लचीला रुख होगा या वैसे ही करेंगे जैसे दिल्ली में किया था कि नहीं हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, अगर हम उस समय अगर आपके साथ में कोई समझौता होता, 8-10 सीटें मिलती तो हो सकता था 4-5 सीट कांग्रेस को मिल जाती। उत्तर प्रदेश वाला मसला है, यहाँ पश्चिम बंगाल में है, तो क्या यहाँ लचीला रुख अपनाएगी कांग्रेस या खुद अकेला चलो रे का रास्ता अपनाएगी। बहरहाल ये सब चीज़ें शायद समय समय पर हमको समझ में आई जाएगी। ऐसे और भी कई सवाल हैं, शायद जिनका जवाब समय के पास ही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।